हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन तुषार का चढ़े अच्छा है। वो बारिश की पहली बूंदें और वो खुशनुमा खुशबू जैसे कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, कुछ नया ही एहसास लेकर आए। वैसे ही दोस्तों, स्टोरी जब भी हम सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि कुछ नया हुआ, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। वैसे ही आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। यह स्टोरी है एक टूरिस्ट कपल की जिसे टूरिंग बहुत ही अच्छी लगती है। वो जगह जगह घूमते रहते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ रोमांचित होके वापस आते हैं। उसमें उसने एक बार ऐसे डिसाइड किया कि आज हम आउटसाइड द इंडिया एब्रॉड जाएंगे और वहाँ पर घूमेंगे। वहाँ पे घूमते घूमते बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस उसने छाने, जाके रोमांचित हुए। एक जगह पे वहाँ पे टेंपल था, वहाँ पे वर्शिप करने के बाद वो जैसे बाहर आ रहे थे तो उसने टूरिस्ट प्लेस पे एक बच्चे को चीज़ें बेचते हुए देखा। अच्छे कपड़े थे तो बच्चे से बात हुई तो बच्चे ने कहा कि ये 1,000 रुपये के कपड़े हैं, उसमें आप 3 कपड़े ले सकते हैं। दोनों कपल ने देखा आमने सामने और कपड़े को देखा, कपड़ा अच्छा था, बट थोड़ी बार्गेन हुई कि नहीं भैया, हम ये 1,000 रुपये में तो नहीं लेंगे, हम इसके आपको 500 रुपये देंगे। तो बच्चे ने बताया 500 रुपये में तो मुझे कुछ भी मुनाफा नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, ये है वो 850 रुपये में मेरे से ले लीजिए। दोनों ने वापस कपड़ा देखा, कपड़े अच्छे थे, दोनों को पसंद भी आ रहे, तो दोनों ने डिसाइड किया चलो कोई बात नहीं, 850 रुपये में हम इससे कपड़े लेते। अब बारी आती है पैसे को। जैसे ही टूरिस्ट कपल ने वो पैसे बच्चे के हाथ में रखे, बच्चा एकदम खुश हो गया, मालूम नहीं क्यों, बट उसकी दोनों आंखों में एक अलग सी चमक वो टूरिस्ट कपल को दी। तो उसमें जो लेडी थी उसने बच्चे से पूछा, क्या ये आपकी आज की पहली बोनी है? बच्चा मुस्कुराया। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यापारी फैमिली में जो भी पहली बोनी होती है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दैट वन इज द स्टार्टिंग ऑफ दैट डे विद वन ऑफ द गुड हॉप कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा जाएगा। वो कहा जाता है कि वो ईश्वर की कृपा होती है पहली बोनी, ये जो भी रुपये होते हैं। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैडम, ये आज की मेरी पहली बोनी नहीं है, ये मेरे ये पूरे वीक की फर्स्ट बिक्री है। तो बातों बातों में कपल ने वो बच्चे से पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है। बच्चे ने बताया बड़े ही प्यार से, मैं हूँ, मेरी अम्मा है और मेरी एक छोटी सी बहन है। छोटी सी जो बहन है वो स्कूल जाती है और अम्मा है वो घर का काम देती है। मैं कमाता हूँ और वो कमाई से हमारी सबकी आराम से ज़िंदगी कट रही है। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कमा सकूँ और मेरे पूरे परिवार का ध्यान रख सकूँ। तो कपल में से एक ने पूछा कि आपके अब्बा क्या कर रहे हैं? बच्चे की आंख में आंसू आ गए, नमी आ गई थी। उसने बहुत ही भारी आवाज़ के साथ बताया कि हमारे मोहल्ले में एक बार एक झुंड आया था, उसमें से एक बंदे ने हमारे पिता को मेरे ही सामने, मेरा एक हाथ मेरी मम्मी के हाथ में था और एक हाथ मेरे बहन को संभाले हुए था,
और मेरे हम सबके सामने मेरे पापा को गोली मार दी गई। वो अब दुनिया में नहीं, मैं ही हमारे परिवार का सभी गुजरान चलाता। ये बोलते बोलते बच्चों के आ और बात में एकदम दर्द महसूस हो रहा था। दोनों कपल भी रो पड़े थे। कुछ बात ही ऐसी थी, फिर कपल ने और उससे साथ बात की और अपार्ट फ्रॉम दिस उसने दूसरे तीन कपड़े भी खरीदे। बच्चा बहुत खुश था। और जैसे ही कपल कम बैक टूवर्स द इंडिया आ रहे थे, तो वही आती हुई फ्लाइट में कपल एक दूसरे से गुफ्तगु कर रहे थे। अच्छा है कि हम भारत में रह रहे हैं और शान से जी रहे हैं। हमारा ध्यान रखने वाले बहुत कुछ लोग। सही है, भारत इंडिया हिंदुस्तान में एक अलग ही लहर, एक प्राउड वाली फीलिंग। ना ही जस्ट ऐसे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी बात ही कुछ निराली है। जैसे कि कहते हैं कि हम हमारा जब भी मोहल्ला भी देख ले और बाहर निकले तो हर एक धर्म के लोग दिख जाते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बहुत सारे। हमारे देश में 21 भाषा है तो नेशनली अप्रूव है और तकरीबन मोर देन 1000 बोली बोली जाती है। वेराइटीज ऑफ लव, अफेक्शन, कल्चर, रीति रिवाज जितना जानना चाहे उससे भी ज़्यादा इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, ना ही ये मेरा है ना ही ये तेरा, ये तो हमारा हिंदुस्तान। दुख होता है कभी कभी कि जैसे अभी कुछ महीने और कुछ सालों से जो बातें कही जाती हैं, हम सेंसिटिव हैं तो दुख लगता है। अपने मोहल्ले पे जब भी गुजरता और सभी धर्म के लोग को देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी सिर्फ सोच में, और हमारा जो हिंदुस्तान वो सोच को ही परिवर्तन लाता है। और एक बार ये कपल की वजह से मैंने मेरे हिंदुस्तान को फिर से एक नए नज़रिए से देखा। प्राउड टू बी इंडियन। बंदे मातरम।